हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दीप्ति गणराज और अभी फिलहाल मैं हूँ नागपुर के गुवारी स्मारक के सामने। एक्चुअली स्मारक की हिस्ट्री क्या थी, क्या आपको पता है? नहीं तो आज के वीडियो में जानेंगे। और आपने कईयों बार आते जाते हुए इस स्मारक को देखा होगा, बट इसके पीछे क्या हिस्ट्री थी और ये यहाँ पर क्यों बना है, वो आज के वीडियो में कवर होने वाला है। ये आज फिर से न्यूली जो है कंस्ट्रक्ट हुआ है और इसका फिर से रिनोवेशन जो है वो हो गया है, लेकिन ये सजा क्यों है और जिसके पीछे की कोई खुशी नहीं है। एक्चुअली ये किसी को समर्पित किया गया है एरिया और ये छोटा सा यहाँ पे पॉइंट बनाया गया है जस्ट हमारे हीरो माइल सेंटर के सामने में, जो कि हमारे इंडिया का सेंटर है। अपोजिट साइड में ही आपको ये गुवारी स्मारक देखने को मिलेगा। रिसेंटली बहुत ही अच्छा रिनोवेट किया गया है। इसका कंस्ट्रक्शन, इसका रिनोवेशन से लेके इसके आज क्या फिलहाल सिचुएशन है, यहाँ तक का पूरा अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रही। चैनल पे नए हो तो प्लीज जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, नागपुर की हर अपडेट आपको इस चैनल पे मिलते रहती है। फ्रेंड्स, एज यू नो नागपुर में हर साल विंटर असेंबली का एक सेशन होता है। 23 नवंबर 1994 में ऐसा ही एक सेशन था हमारे नागपुर में, इसमें 50,000 से ज्यादा लोग गुवारी समाज के में जमा हुए थे। कम्युनिटी की कुछ अपनी डिमांड थी, बस उसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए ये यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई इसमें 114 लोग जो है उनकी डेथ हो गई, जिसमें कुछ छोटे बच्चे और इवन दो लेडीज भी थी। उन्ही की याद में ये स्मारक यहाँ पे बनाया गया है ताकि उन्हें श्रद्धांजलि दी जाए। यहाँ 50,000 लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ डिमांड्स लेके यहाँ पे थे, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब हो गया या फिर बेटर एजुकेशन के लिए ऑप्शंस और साथ ही में उनके कास्ट को शेड्यूल ट्राइब में गिना जाए, इसलिए वो यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। अब इस बीच में मॉरिस कॉलेज जो हमारे नागपुर का फेमस है बर्डी साइड में, यहाँ पे ये भीड़ इकट्ठा हुई थी। कोई रिप्रेजेंटेटिव इनसे बात करने नहीं आया तो ये क्राउड के जो लोग थे वो डिस्टर्ब हो गए और जैसे ही उन्हें सामने से लाल बत्ती की गाड़ी आती हुई देखी वो उनकी तरफ मुड़ने लगे। और बत्ती की गाड़ी में शरद पवार जी थे, जो मुंबई से रिसेंटली अपनी कुछ मीटिंग्स जो है वो कंप्लीट करके आ रहे थे। और भीड़ को लगा कि शायद ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव रह सकते हैं जिनके पास हम अपनी अपील जो है वो रख पाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गाड़ी निकली शरद पवार जी की और पुलिस ने ये पूरी सिचुएशन को संभालने के लिए लाठीचार्ज कर दिया और इस बीच में 114 लोगों की जान जो है वो चले गई। अब पुलिस चाहती तो यहाँ पे ये भीड़ को कोई अलग तरीके से हैंडल कर सकती थी, जैसे कि पहले उन्हें वार्निंग देना या फिर कुछ और तरीके से। उन्होंने सीधे लाठीचार्ज कर दिया और उनकी गलती का नतीजा ये रहा कि कुछ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए ये स्मारक यहाँ पे हमारे नागपुर में बनके तैयार है। नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो हमारा जो बर्डी का फ्लाईओवर है उसका नाम भी गुवारी उड्डान पुल के नाम से रखा गया है, आप सभी को पता ही होगा। बट इसके पीछे की हिस्ट्री क्या आपको पता थी, मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। सी यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो।